ओके डियर, बहुत बहुत है बात। आज हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के हवाले से। सोलर सिस्टम अगर आप घूमें, ट्रैवलिंग करेंगे अभी मेरे साथ तो बड़ा मजा आएगा। देखिए, हम जिस प्लेनेट पर हैं उसे कहते हैं अर्थ। 7 कॉन्टिनेंट, 7 समंदर, और जनाब जो न्यूजीलैंडिया के नाम से अब एक कॉन्टिनेंट है जो उम्मीदवार बन चुका है कॉन्टिनेंट का, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको कॉन्टिनेंट बना, ठीक है, नया कॉन्टिनेंट। वेल, वो अभी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बन पाएगा या नहीं देखते हैं क्या सोचता है लोग। अर्थ पे अगर आप देखें तो ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं और नॉर्थ पोल साउथ पोल ये निकलने लगे और समंदर बढ़ रहे हैं। समंदर की अगर हम बात करें तो जो सबसे गहरा मुकाम है मैरियाना ट्रेंच, 36,198 फीट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,035 फीट, यानी पूरी माउंट एवरेस्ट मैरियाना ट्रेंच में डूब जाएगी। हमें तो लगता है कि भाई वाकई बहुत बड़ी गहराई है, क्योंकि आप दोस्त इतनी गहराई में नहीं जा पाती ज़्यादातर 2,000-3,000 फिट। लेकिन अभी तो हमने सोलर सिस्टम घूमना है, सो अब हम बैठ जाते हैं एक अच्छे से जहाज में और उस जहाज में चल के अर्थ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के देख रहे हैं कि कुछ मून और अर्थ का फासला कितना है। फर्ज करो, और ये अर्थ मून इसका 1/4 है, तो आपका घर में फासला कितना होगा जनाब? जनाब जनाब, ये अगर अर्थ का साइज है और ये ज़ाहिर है मोबाइल इससे काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे तकरीबन आपको 20 मोबाइल यूज करने पड़ेंगे, इतना फासला है। मून पर ना तो ऑक्सीजन है, इंसान जा चुका है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत अरसे से नहीं है। अब मार्स पे जाने का मिशन है तो लोग जाएंगे, और अगर मून से आगे की तरफ हम जाएं, हम सूरज की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब प्लैनेट वीनस आता है। वेल, वीनस में बड़ी दिलचस्प बात है, दिन छोटा होता है, साल बड़ा होता है। हाँ, दिन बड़ा होता है, साल छोटा होता है जी। दिन होता है 245 डेज का, साल होता है 223 डेज का, यानी एक दिन में आपके 2 बर्थडे भी आ सकते हैं। वहाँ का एटमोसफेयर प्रेशर अर्थ से 93 टाइम ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर बहुत है, 462 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई वहाँ दिन रात का तो कोई हिसाब ही नहीं है, हर वक्त गर्मी गर्मी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत वीक है। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कभी वहाँ दरिया भी थे, और बिल्कुल अर्थ की जैसा है, अर्थ जैसा साइज है, और सूरज के बाद जो सबसे अच्छा हमें खूबसूरत दिखता है वो वीनस ही दिखता है, इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और ये वाइट प्लैनेट है जो ग्रीक्स गॉड्स में फीमेल के नाम पे इसका नाम रखा। उससे आगे जाना चाह तो रहा हूँ, लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। खैर, गर्मी बर्दाश्त करके पहुँचते हैं मरकरी में। मरकरी अब सूरज के और करीब हो गया है, लेकिन 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 मरकरी का टेम्परेचर इतना नहीं है जितना वीनस का। आखिर ऐसा क्यों? उसका रीज़न कि वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं, और मरकरी के नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आज भी बर्फ पाई जाती है। इससे आगे की जहमत मैं नहीं करूंगा, लेकिन घूर के जरूर देखूंगा, क्योंकि इससे आगे सूरज, जिससे हमारी जमीन जैसी लाखों जमीनें आ सकती हैं, जिसका साल लाखों गुना ज्यादा है, और पूरा अगर आप सोलर सिस्टम सूरज के अलावा कह लें तो उसका मास कुछ भी नहीं है सूरज के सामने। इसलिए मुझे अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। मैं मरकरी वीनस से होता हुआ अर्थ पहुंच गया हूं दोबारा, और अब मैंने फ्लाई शटल का रोक बाहर के सोलर सिस्टम की तरफ मोड़ दिया। आपको सुर्ख सुर्ख सी चीज़ दिख रही है, ब्राइट ब्राइट। अरे ये तो मार्स है, जिसे उर्दू में मुर्री कहते हैं। यहाँ तो लोग जाना चाह रहे हैं, 2024 से इंसानी आबादी बनने की बात हो रही है, यूएई ने भी मिशन भेजा है, नासा ने भी, चाइना ने भी, तो वह थोड़ा सा जायजा लेते हैं। सुर्ख सुर्ख बहुत है, और दिलचस्प बात यह कि जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे ऊंचे पहाड़ मार्स में हैं, और सबसे जो ऊंचा पहाड़ है माउंट ओलंपस, जी हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है, 89,000 फीट। और ख़ास बात यह कि देखो, वो ऐसी ऊंचाई में नहीं है कि बस ऐसी ऊंचाई, ऐसे करके कर्व में, और बहुत फैला हुआ, और वो वोल्गानो यानी आतिश वर्षा है।
वेल मार्स में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जिससे पता चलता है वहां कभी समंदर था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इंसान अब जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिस तरह सिस्टम है कि सब्जी बनती है उस सब्जी को मछली खाती है, सब्जी मछली की वो ऑटो साइकिल चलती रहती है, ह्यूमन का इरादा है। एलन मस्क साहब खास तौर पर जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के सरबरा हैं, वो जाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं अपना मार्स में। दो बड़े प्यारे प्यारे मून भी हैं, लेकिन अब मार्स से जुपिटर की तरफ जाते हुए अरे ये क्या पत्थर ही पत्थर, चटाने ही चटाने जो दरमियान में घूम रही है, करोड़ों अरबों चटाने, आखिर ये कितनी चटाने और ये क्यों रुकी हुई है? इनको तो अर्थ की तरफ आना चाहिए, टकराना चाहिए, लेकिन नहीं। सूरज के बाद ये चार प्लैनेट जिनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं आते हैं, और अब पांचवा प्लैनेट बहुत बड़ा है जुपिटर। सूरज और जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से ये चटाने, ये जिनको एस्टरॉइड्स वेल कहते हैं अपनी जगह पे। अब ये बड़ा सा प्लैनेट है कौन सा? अरे उसके अंदर तो ये तूफान भी है जो अर्थ से भी बड़ा है, कभी तो अर्थ से 3 गुना बड़ा था लेकिन अब भी अर्थ से बड़ा है, ये है जुपिटर। क्या जुपिटर के अंदर जाया जा सकता है? एक हद तक जा सकता है, उसके बाद जुपिटर की ग्रेविटी आपको दाखिल नहीं होने देगी, और अगर बहुत कोशिश करके आप दाखिल भी हो जाए तो घर नहीं आने देगी। वैसे तो जुपिटर इतना गर्म है कि आप खुद बहुत जल जाएंगे। अब जुपिटर के 79 मून हैं, लेकिन कुछ मून बड़े खास हैं। एक तो गायनत है जो सबसे बड़ा है, ईओ जहाँ हवा आगे आगे, लेकिन सबसे दिलचस्प मून है इसका यूरोपा। जी हाँ, जहाँ बर्फ लेयर पे जमी हुई है, और बर्फ की लेयर कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर, और उसके नीचे समंदर है पानी का। जी हाँ, मैं बता चुका हूँ मैरियाना ट्रेंच खाली 11-12 किलोमीटर है, लेकिन ये क्या, ये समंदर तो 100 से लेके 150 किलोमीटर तक है, यकीनन यह इंसानी आबादी होगी। अब आगे हम जाते हैं सैटर्न। जिसके चारों तरफ रिंग्स ऑफ फायर है, लाखों की तादाद में बर्फ के गोले चटाने जो हमसे टकरा सकती है, लेकिन हम बड़े चला के किसी तरह पहुंचेंगे सैटर्न। वेल सैटर्न के भी बहुत सारे मून हैं, और इन मून्स में भी जिंदगी के बिल्कुल आसार हैं, और इस वक्त सैटर्न के मून जुपिटर से ज़्यादा हो गए, 82 मून हो गए, पहले 62 थे, 20 छोटे छोटे मून और हमें डिस्कवर। इनके मून में भी बिल्कुल जी जिंदगी के असर आते हैं। अब आगे हम जब जाते हैं तो यूरेनस प्लैनेट आता है, बड़ा खूबसूरत प्लैनेट है, इसके भी 27 मून है, लेकिन इसका खास मून है वैलेंटाइन। यहाँ भी बर्फ और समंदर बहुत है, लेकिन इसकी सबसे हैरान कन बात है एक ऊंची चट्टान जिसकी हाइट 60,000 फीट से ज़्यादा है। जी हाँ, लेकिन मेरेंडे की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम है, अर्थ की 9.8 है तो इसकी सिर्फ 0.008 है, यानी अगर आप जंप मारेंगे, ये फिल्मों में होता है ना, विलन मार रहा है गोली तो हीरो चमक करता है, आप जंप करोगे तो कैसे गिरोगे, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अगर इससे भी आगे चले जाएं तो नेपच्यून आता है, और नेपच्यून के भी 14 मून है जिसमें टाइटन बड़ा है, उसके बाद डिवॉर्ड प्लैनेट है प्लूटोस एरेस मेक मेक है वही, और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है जहाँ लाखों करोड़ों खरबों कॉमेट्स हैं। लेकिन कहा जाता है कहीं ना कहीं प्लैनेट एक्स भी है जो हमें दिखता नहीं अंधेरे की वजह से। वेल मैं तो काफ़ी आगे आ गया हूँ, मुझे नहीं दिखा, इसलिए आप वापस चलते हैं अर्थ में, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।